मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ये ध्यान के साथ रोज सुबह उठकर जॉगिंग जाएगी? ये सब तो ठीक है, क्या ये हम सब की भावनाओं को समझेगी, अपना समझ के हमारा ख्याल रख पाएगी? ये बताओ कि क्या ये जिंदगी के हर मोड़ पर ध्यान की ताकत बनकर उसके साथ खड़ी रह पाएगी? एग्जैक्ट। और घर के साथ क्या बिजनेस के इम्पोर्टेंट बिजनेस, खाना, जॉगिंग सबके बारे में सबने पूछ लिया, पर पूजा पाठ की तो किसी को पड़ी नहीं है। क्या रोज सुबह उठकर मेरे साथ भगवान जी को याद कर पाएंगे? सोच लो बेटा, सोच लो। एक तरफ इश्क है, दूसरी तरफ नहीं आ रहा ऑडियो, नहीं आ रहा है इंजन साहब। आज के दौर में जहाँ एक सांस को संभालना मुश्किल है, वहाँ सात सात सांसों को कैसे संभालूंगी मैं? क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? कीजिए कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? आपको सात लोग, एक मेरी सास होगी तो वो अकेला आपको प्यार करेगी, लेकिन सात लोग जो है सातों के साथ आपको प्यार करने वाली है। कोई आपको बिजनेस की तरह देगा, कोई आपको खाने का टेस्ट बनाने को देगा, कोई कोई ना कोई बात ऐसा लगता है कि सास है, लेकिन वो आपकी माँ माँ बनने वाली है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो आपको मदद करेगी, वैसा लग रहा है आपको। और कोई है जो टिप्स देना चाहेगा? क्या करना चाहिए मुझे? और एक-एक सांस को इंप्रेस कर सकती हो। This is a very good suggestion. Thank you. और कोई टिप्स देना चाहेगा? आप कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे कि अपने मां काफी प्रिटी है, तो आपको उन्हें सजाना संवरना आना चाहिए। बोले और उनको क्या पसंद है? जैसे मैं देखती हूँ किसी ने पंजाबी ड्रेस पहनी है, किसी ने एथनिक वेयर पहना है, तो जिनको जो पसंद है आप उनके लिए हर दिन उन्हें कुछ गिफ्ट कीजिए। गिफ्ट हर किसी को अच्छा लगता है, तो आई एम श्योर वो भी show for such a wonderful performance, which gave us a glimpse of what the show is all about. So thank you so much, and I request all of you to please take your positions in the audience. Dosto, give clear. Satranti Sasural, thank you cast for a brilliant skit. Welcome to the press conference. जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ महीनों में Zee has launched a lot of डिफरेंट शो, जहाँ पे अलग अलग रिश्ते हमने अलग अलग टाइप के रिश्ते दिखाए हैं। बंधन, जहाँ पे दर्पण एक छोटी सी लड़की और उसके हाथी भाई का रिश्ता है। लीली छतरी वाले, वेयर वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड। सिमिलरली सतरंगी ससुराल हैज़ अ वेरी वेरी यूनिक प्रेमाइस। ऐसे ही अलग और अनोखे शोज पेश करने के इरादे से यू नो वी आर हियर। और इस शो में
एक बहू एक ही ससुराल में एक नहीं पर सात सासों के साथ अपना रिश्ता बनाएगी और सातों सासों का अलग नजरिया है अपने बेटे विहान को लेकर। ये सात माएँ हैं और ये सात माएँ हमारे विहान को पूरा करती हैं। ज्यादा ना कहते हुए आपके सामने पेश करना चाहता हूँ इस शो की पहली झलक। कैन वी हैव द ईवी प्लीज। लाइट बंद करो भैया। थैंक यू। जी के साथ जो रिश्ता हम लोगों का है वो बहुत पुराना है। सर भैरवी रायचुरा मैं और नंदिता मेहरा हम तीनों ने अपना करियर जी से ही शुरू किया और टेलीविज़न के बारे में जो कुछ सीखा जी से ही सीखा। इसलिए आज यहाँ पर इस मंच पे खड़े होकर बहुत सौभाग्य महसूस हो रहा है कि हाँ हम अपने घर लौटे। तो जहाँ तक सतरंगी ससुराल का सवाल है मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और जब चैनल ने हमें ये कॉन्सेप्ट सुनाया और बनाने को कहा तो एक बार तो पहला सवाल मेरे जहन में आया था कि मैं सास बहू क्यों, क्योंकि बात सीधी सीधी सात सासों की थी। और जब हम काम करने लगे और डिस्कशन करने लगे तब लगा कि नहीं, सवाल सात सासों से ज़्यादा सात माओं का है। अगर आप सास को माँ मान लेंगे तो बहू बेटी बन जाएगी। कुछ इसी विचार के साथ हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया और तब ये भी बहुत एक खूबसूरत सी बात लगी कि सात अलग अलग किरदार चरित्र अलग हैं, उनकी चारित्रिक विशेषताएं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं और उन सब में कुछ न कुछ खासियत है और वो सारी खासियतें अगर एक साथ एक ही बच्चे में संस्कार के रूप में और घुट्टी के रूप में मिल जाएंगी तो शायद वो एक आइडियल कैरेक्टर निकल कर आएगा, एक आइकॉनिक मेल हीरो। और वही कोशिश हम लोगों ने की है यहाँ पर और मैं और हम सभी इसे बहुत खूबसूरत लव स्टोरी मानते हैं। एक ऐसे लड़का जिसको सात माओं ने अपने संस्कार दिए हैं और दूसरी तरफ आरुषि एक ऐसी लड़की जो आज की लड़की है जो संघर्ष करना जानती है, जो ये जानती है कि मुझे कब क्या कहना है और मुझे कब क्या करना है और मुझे क्या चाहिए। She has a mind of her own। बावजूद अभावों के उसमें किसी तरीके का कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर आती है हमारी ताई माँ समता जी। फिर माँ सोनाली जी, बुआ माँ सादिया जी, चाची माँ भावना जी, मिनी माँ रेशम। मैं यहाँ पे बाकी सब रिश्तों के साथ माँ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे मिनी के साथ माँ जुड़ा है, उसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि वो बुआ माँ की छोटी बहन है, मतलब दादी सा की छोटी बेटी है और छोटी है इसलिए मिनी है। इसीलिए मिनी माँ। हमारी मासी माँ शीतल जी, एंड हम सब माओ का मतलब इन सब माओ का लाडला विहान राविश सर और राविश की जिंदगी को सतरंगी बनाने के लिए जो आने वाली है वो हमारी आरुषि मुक्ता चाची।